बाइबल एक बात कहती है, कहीं नहीं लिखा धर्मी पे मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर ने कहा धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी, पर धर्मी उस मुसीबत से निकाला जाएगा। पौलुस कहता परमेश्वर मेरे शरीर पर एक कांटा चुभा, यानी उसके शरीर में एक बीमारी थी, और वो परमेश्वर से विनती करता कि परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर कर। क्या आवाज आती? मेरा फजल ही तेरे लिए। जिसको ये आवाज नहीं आती ना, वो टेंशन में रहता है। जिसको ये आवाज नहीं आती फिर वो बाबाओं के पास भी जाता है, क्योंकि उसे उसे मालूम नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। और पौलुस उसी बीमारी में रह के भी परमेश्वर की आवाज सुन रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। उस आवाज के कारण उस बीमारी में वो ठहरा रहा और बाद में चंगाई भी पाई। हालेलुया। शाऊल की गिरावट तब शुरू हुई जब उसे परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो गई। अब आप देखो, परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपको उसके वचनों पर चलना पड़ेगा। इस दुनिया को एक बार फाइंड, इस दुनिया की सब टॉप मिनिस्ट्रीज को फाइंड करो एक बार, और सबकी लाइफ में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, वो है फेथफुलनेस, प्रभु के साथ वफादारी। एक चीज सबकी लाइफ में आपको नजर आएगी कि कितने साल वो निराशा में रहे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाइयों पे एक अगर आप गूगल करें, नजर मारें, तो कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। कितने साल निराशाओं में रहना, ये कॉमन चीज होगी। रिजल्ट ना भी आए तो भी फेथफुल रहना, ये कॉमन चीज होगी। वफादारी और पवित्रता, ये कॉमन चीज होगी। आप नोट कर लो। और उसके बाद जो रिजल्ट परमेश्वर ने दिए, ऐसे कभी नहीं आए। जो रिजल्ट हम अपनी मिनिस्ट्री में देख रहे हैं, हमने कभी नहीं देखे, और ये शुरुआत है। ये अभी 10x10 का एक रूम बने हैं, अभी बड़े बड़े हॉल बनने किलोमीटर लंबे। हालेलुया। आप तैयार हो वफादारी के साथ चलने के लिए? सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक मैन ऑफ गॉड में, एक सक्सेसफुल बिलीवर में देखी, वो ये, वो उसकी टेस्टिमनी नहीं है कि वो कैंसर की फोर्थ स्टेज से आजाद, ये नहीं है, वो फेथफुल रहा है, ये चीज है वफादारी। दुखों में भी, सुखों में भी, विरोध में भी, प्रशंसा में भी, फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ, ओबीडियंस में रहना। उसने कहा मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। आप बेस्ट होंगे। मैंने कहा बेस्ट होंगे। आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपके चर्चेस बेस्ट होंगे। ओ आमीन आशीषों की चर्च। ये प्रभु का प्लान है आप लोगों के लिए। आप तैयार हो इस प्लान को लेने के लिए? ये परमेश्वर का प्लान, मेरा प्लान नहीं है, ये आपका प्लान नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है। कहता मैं तुझे बेस्ट दूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ दूंगा, तू सिर होगा। तो क्या आप फेथफुल रहने के लिए तैयार है, वफादार रहने के लिए तैयार है? अभी यहां एक सांप आया ना, तो आप कि वफादारी सब पता चल जाएगी। हाँ, हम वफादार तभी तक हैं जब तक मुसीबत नहीं आती। हम पवित्रताई में तभी तक हैं जब तक कोई मौका नहीं मिला, और हम तब तक चोर नहीं है जब तक कोई मौका नहीं मिला। अगर मौका ही नहीं मिला चोरी करने का, तो आप साबित नहीं करते आप चोर नहीं। आज लोग तब तक पवित्रताई में है जब तक मौका नहीं मिला। जिस दिन मौका मिल गया मन मर्जी का, उस दिन खत्म है सब कुछ। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं?
हाँ कि ये बंदा बड़ा वफादार है जी, अच्छा फाइनेंस में ड्यूटी दे दो, वो तब तक ही बस वफादार है, उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर वो वफादार है, वो रियल वफादार है। हाँ बंदा बड़ा पवित्रता में है, जब तक मौका नहीं मिला उसको मौका देके देखो, अगर तब भी पवित्रता में तो वो रियल पवित्रता ही है। बात मौका मिलने की, पोतीपर की पत्नी पकड़ के बोलती है मेरे साथ सोना पड़ेगा तुझे, भाग गया वो, उसके लिए जेल में जाना पड़ा, उसकी पत्नी ने गलत इल्जाम लगा दिए, झूठा इल्जाम लगा दिया कि अपना कपड़ा मेरे पास छोड़ गया, मेरा बलात्कार करने आया था, तब भी उसने अपनी होलीनेस को छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज कुछ पवित्रता में इसलिए है क्योंकि किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने कोई ऑफर नहीं मारा, किसी ने कुछ दिखाया नहीं। जब वो चीज आप कवर कर लोगे और उसको क्रॉस कर लोगे, आपकी लाइफ शुरू हो जाए। तब तक मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर बड़ा खतरनाक है, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो जितना हमें दिखता है प्रेम से भरा वो है, पर वो बहुत परख और बहुत चेक करने वाला परमेश्वर। ऐसा पॉसिबल है कि आप इस बिलीवर हो और वो आपको 20 साल परखे, क्योंकि उसको अब तक आप पे भरोसा नहीं कि जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप ठहरे रहेंगे या नहीं। एक सेवक की कलीसिया हो गई 40-50 हजार, और उस अफ्रीका के उस इलाके की सबसे बड़ी चर्च है वो, उस शहर की पॉपुलेशन 60,000 है और उसकी चर्च में 35,000 लोग, पूरे शहर में 60,000 लोग। और वो एक दिन प्रभु से कह रहा है, प्रभु ये वाली चीज मैं मांग रहा हूं, तुमने मुझे क्यों नहीं दी? परमेश्वर ने कहा मैं अभी तक तुझे परख रहा हूं। कहता है अभी तक मैं परखा जा रहा हूं, इतने दुख सहने के बाद, इतना काम करने के बाद, तो विश्वासियों का क्या हाल होगा? अगर मैं परखा जा रहा हूं तो विश्वासी कहां बैठे? आप नहीं जानते कौन सा पाप परमेश्वर शैतान को यूज करके आपके आगे कर रहा है आपको परखने के लिए, कि वो नेक्स्ट लेवल आपके लिए तैयार है या नहीं, कि आपको अभी यहीं बैठना चाहिए जहां आप हो। और आपको मालूम नहीं कितने लोग फेल हो जाते हैं उस चैलेंज में। अगर आपने शरीर पर काबू नहीं पाया, आपने अपनी लाइफ पर काबू नहीं पाया। अगर लाइफ की हर हिस्सा काबू में चाहते हो, मन मर्जी चाहते हो, तो शरीर पे आपको काबू करना पड़ेगा। हालेलुया।